नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप रावत आप सभी दर्शकों का महाकाली सम्मेलन 2020 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रसिद्ध कालिंका मंदिर बीरूखाल ब्लॉक से 20 किलोमीटर की दूरी पे गढ़वाल और कुमाऊं के बॉर्डर पे स्थित है। मंदिर में पूजा अर्चना की जिम्मेदारी बडियारी वंशज गढ़वाल और अल्मोड़ा को दी गई है, जो कि सनातन रूप से आज भी इसका निर्वहन कर रहे हैं। मंदिर वर्ष भर श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है और प्रत्येक 3 वर्ष में एक बहुत बड़ा मेला होता है, जिसे हम जतोड़ा भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये तो था मंदिर का बैकग्राउंड, और अब आपको मिलवाते हैं आज के बहुत ही खास गेस्ट, एक ऐसी शख्सियत से जिनके गीतों में जहां प्रेम और विरह है, तो वहीं हमारी लोक संस्कृति की झलक है। जहां उनके गीतों में दुख और दर्द है, तो वहीं समाज में चल रही कुरीतियों पर कड़वी सच्चाई और जबरदस्त प्रहार है। और उत्तराखंड ही नहीं बल्कि विदेशों में लाखों फॉलोअर्स उनके आज हैं। तो दोस्तों, आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच उत्तराखंड के सबसे लोकप्रिय गायक और गीतकार, गढ़ रत्न, उत्तराखंड सुर सम्राट और उत्तराखंड की सबसे भरोसेमंद आवाज, श्री आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी। नेगी जी, आपका महाकाली सम्मेलन 2020 में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, सर सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर कैसी तबीयत है, स्वास्थ्य कैसा है आपका? हाँ, ठीक हूँ भाई, ठीक हूँ। मैं गांव में हूँ अपने पिछले 5-6 महीने से। जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जुड़ने के लिए, और भगवान आपको लंबी उम्र दे और आपका स्वास्थ्य हमेशा सही रखे। और आज आप आए, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। महाकाली ट्रस्ट समिति आपका बहुत बहुत आभारी रहेगी कि आप हमारे साथ जुड़े। सर आवाज आ रही है? आ रही है भैया, अभी तक तो आ रही है। अब महाकाली से प्रार्थना करा कि नेटवर्क जाओ नहीं, नेटवर्क तुरंत से जान। जी सर, सर सबसे पहले एक मतलब आपका, आप बहुत दिनों से आपकी कोई रचना भी नहीं आई, तो क्या आप मतलब कुछ लिख रहे हैं अभी या कहाँ पे, किस तरह से हैं, और एक कोरोना काल में किस तरह से आपने टाइम थोड़ा अपना स्पेंड किया, उसके बारे में थोड़ा सा आप कुछ बताएं भाई। ये कोरोना काल तो सबका वास्ता समस्या हुई थे जी, और हम लोग कम लगभग 6 महीने पहले एक गांव में आए गए था। हाँ हाँ सर, वो बताया था आपने लास्ट टाइम पे। तब बटी हम ये किचा और सुरक्षित था जी जी, और बाकी लेखन कार्य भी धीरे धीरे चलने लगे ऊंचा जी। और ये भी हमने एक सीरीज भी शुरू करी है, गीत भी और गीत की बात भी। हाँ जी जी सर, बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका है। इतनी शायद आप लोगों ने देखी नहीं देखी? हाँ देखी थी। हाँ वह कभी शायद 8-9 निकल गई नहीं गीत, और वो गीतों की उत्पत्ति कल के वे क्या वे ये बात भी वे मा होना ना, गीत भी होना इन कार्यक्रम कर। जी हाँ जी सर जी। और सर थोड़ा सा संक्षिप्त में हमारे दर्शकों के लिए कि सर आपकी जो गीत रचना है उसका, उसकी शुरुआत कैसे हुई और कहाँ से हुई, ये थोड़ा सा बहुत ही संक्षिप्त में आप बता सके अगर तो। भाई गीत की शुरुआत पहले गीत लिखी स्वामी ने 1974 में। जी जी सर, आप लोग पैदा नहीं हुए बोले तब। हाँ बिल्कुल सर। हाँ 1974 में पहले गीत लिखी छो, सरा बस गया बोण मा रूढ़ी कुटुण मा यूंद पीसी भी तैनी म्यारा सदा नींद दिन रहने, ये गीत मिलने की शुरुआत पहली। और वे के बाद फिर ये क्रम जल्दी गाए, लोगों ने अच्छा लगने गीत से लोगों को प्रोत्साहन मिलने रहा है, और 76-77 माँ फिर मैं रेडियो माँ आकाशवाणी लखनऊ बटीन में गीत गान बैठ गया। फिर 78 माँ आकाशवाणी नजीबाद खुल गई, तो 78-79 बटी फिर नजीबाद स्टेशन बटी गीत गए नहीं। और उसके बाद फिर 82 माह कैसेट को जमा हुआगी, फिर 82 माह में फिर पहली कैसेट निकाली, और तय के बाद यह गीत यात्रा लगातार से नीचे लोग लोग सुनना छन, तो हम ही उम्र तक भी गाना छ। जी सर जी। सर निगी जी, आपके हर गीत में कुछ ना कुछ संदेश है, आपके हर गीत में कहीं ना कहीं संस्कृति की झलक है, वो सब है, और अपने कल्चर से रिलेटेड जो भी आपने उसका कोई ना कोई मोटिव है। लेकिन आजकल जो गीत बन रहे हैं सर,
उस पर क्या कहना चाहोगे? जैसे गीत ऐसे हैं कि वो तो कुछ समझ में नहीं आ रहे, मतलब नए कलाकार जो भी आ रहे हैं, मतलब ए बी सी जो भी है, उनके गीत इस तरह से हैं कि जिनका कोई पर्पज नहीं है और जो कि मतलब बहुत ही उस तरह के हैं कि लगता कभी कभी तो समझ में नहीं आते गीत। तो सर क्या मतलब आप किस तरह से देखते हैं इस चीज को कि क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या युवाओं को इस तरह से सही नहीं है मुझे लग रहा है अपने संस्कृति के लिए, अपने संस्कृति लिए, और ये तो खाली मतलब उस तरह से हो रहा है, टाइम पास हो रहा है। अब मैं क्या क्या बोलूं इस पे। अब तो युवा जब आएंगे, हमारी उम्र में आएंगे, तो उनको खुद ही समझ आ जाएगी कि लोग क्या पसंद करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो यो तो नवयुवक जो चाणा झन है, ये तो उनकी सोच पर निर्भर कर दो कि वो कभी गीत का बारे में क्या सोचन, कै ढंग से बनाना छन, कै ढंग से गाना छन, कौन लोगों का वास्ता गाना छन, है ना। तो ये तो जो गान वाला बच्चा छन वही सोचला, और मिले माँ के बोल सक दो उपदेश दे। तो आजकल बच्चा हमारे बच्चे निमंत्रण तब और बच्चे उनके मन के उपदेश उपदेश सुनने को सामर्थ्य नहीं जो आजकल नया बच्चों में जी। और सर हाँ जी सर बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं सर। तो सर इसमें मतलब ये भी है क्या, कहीं कहीं ना कहीं जैसे अभी सीडी थी पहले चलती थी, बंद हो गई, हमने भी आपके गीत एक्चुअली वो रिकॉर्डिंग में सुने थे पहले, टेप रिकॉर्ड जिसे बोलते थे, और अब उसके बाद सीडी का दौर आया, फिर उसके बाद हमने देखा कि मतलब पहले वीसीआर का सीडी का दौर आया, उसके बाद अब जो है यूट्यूब और सारे फेसबुक इस तरह की चीजें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं इससे भी कहीं ना कहीं इससे फर्क पड़ा है, और इन सब चीजों से आपको क्या ऐसा लगता है, और क्या इसका मतलब अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? मैं असल में कैसेट को जब जमाना था तो कैसेट सीडी का जमाना मात्र काफी बचान था, और कैसेट के रिकॉर्डिंग मां की शूटिंग मां सारू खर्चा कंपनी कर दी है, और फिर कंपनी वे की मार्केटिंग भी कर दी है। लेकिन अब फॉर्मेट खत्म होगी कैसेट सीडीज को, अब बच्चा जो है ना अपना खर्चा करी, अपना पैसा से रिकॉर्डिंग करी, अपना पैसा से शूटिंग करी, तब वे थे यूट्यूब में डलना है। तो अब ये सिलसिला देखा कब तक है चल दू आप, ये बच्चा नए नए बच्चा, अब हरेक बच्चा सक्षम नीच, हरेक घर से इतना संपन्न नीच कि वो बार बार इतना खर्चा करी थे ना गीत बने ना वे मां मार्केट में डालू या यूट्यूब में डालू। तो अब ये समस्या तो छह चीज, लेकिन अब बच्चा तो काफी छन यूट्यूब में काम करना ढलना अपने गीत उठे वे मां नई प्रतिभाओं को भी पता लगना जी सर जी। और सर लेकिन उसमें सर एक चीज है कि जो जैसे हमारे रीति रिवाज हैं पुराने और मतलब गांव के रीति रिवाज, वो तो मतलब उसमें है नहीं, उसमें उन गानों में है नहीं। तो सर मतलब हमें मतलब उस तरह के गानों के लिए जाना चाहिए उस तरफ या नहीं जाना चाहिए, मतलब जो नए कलाकार आ रहे हैं उनको मतलब क्या क्या उनको सोचना चाहिए इस तरह से? अगर अरे अनूप घर गांव के बाद जब वो देहरादून में पैदा होना छन, दिल्ली में पैदा होना छन, की गीत लिखना छन, घर गांव से संबंध कट गए, नाना बुजुर्ग बैठ धनी छन, बेटी बारियों को काम उन देखी नीच, है ना सर। तो वो बात कन खे आना है माँ, तो बात आई नहीं जब वो अपना गांव घर गांव में नहीं घुसला, वो अपना समय नहीं बिताला, को बड़ा बुजुर्ग उनका साथ नहीं बैठा ला, बेटी बारियों थे को काम धान कर नहीं देखा ला, तब वो माँ घर गांव की बात कर होती आ रही। फिर तो वही शहर माँ जो हूँ जो शहरी लोग जो कना छन वही वातावरण पर नून गीत देखा ला। जी सर। सर एक क्वेश्चन ये है आपसे कि जो हमारा ये माँ काली मंदिर है बिरुखाल ब्लॉक में, एक्चुअली बिरुखाल कुमार और गढ़वाल के बीच में, तो कभी आपको मौका मिला सर दर्शन करने का वहाँ पे, या सुना आपने उस चीज के बारे में, और कितना आपको पता? बिरुखाल लेकिन मैं सुने की वो पहली बहुत ज्यादा पशु बलि उनसे अब पता नहीं सर, कर बंद हो तो बिल्कुल तो बैन हो चुका है उसको, काफी टाइम हो गया पशु बलि बंद होगी, तो मैं वे क्षेत्र का सारा लोग उठे दीदी भूलियो दाना सहन उठे बहुत बहुत बधाई दे दू जी जी, बहुत बहुत शुभकामना दे दू कि उन्होंने एक इन्वेस्ट अप उठाई कि उन्होंने मंदिर में बिल्कुल खून
निरीह जानवरों की जो बलि थी वो बंद कर दे। अरे परमात्मा ईश्वर तो दूध फूल की पूजा से भी प्रसन्न हो जान, क्यों साई निरीह जानवरों का मनना। तो मैं थे बात की बड़ी खुशी हुई कि बीरों खाल का महाकाली क्षेत्र में पशु बलि बंद हो गया। जी जी सर, वो बंद हो गया, वो तो बहुत पहले बंद हो गया। और सर वो उस मतलब मेला बहुत बड़ा अभी भी होता है, बाकी पशु बलि तो बंद हो गई बहुत पहले। जी 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 तो सर कभी मौका मिले तो कभी जरूर आप आएगा उधर मेले में, अगर कभी दिसंबर में होता है हर मतलब 3 साल में। हाँ कभी मौका मिलो लो, अवसर मिलो लो तो ऑल अवे जरूर। आप तो जरूर अच्छा, अच्छा मेला होता है सर। आपके तो बहुत गाने उसके मेले पे मतलब हमने सुने हैं काफी। हाँ। बहुत पहले से। हाँ जी हाँ जी जी सर, मेरे कलीग हैं दीपक और जगमोहन, तो थोड़ा वो भी आपसे कुछ रूबरू होना चाहते हैं। दीपक जगमोहन नमस्ते नमस्ते। अरे बोलिए जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे प्रोग्राम में, और कुछ तीन साल आप रहे कि हमारे मतलब हमारे कार्यक्रम में हर 3 साल बाद एक मुझे हुई थी ऐसे आप दोनों और पूजा हुई थी, तो मुझे लगा आप शायद 21 में या 22 में अभी मेला बोल वे हम जरूर आते हैं निमंत्रण में जोड़ा, और हम तो उम्मीद थी कि आप जरूर आला शायद 21 में या 22 में। हेलो, और हाँ, और नेगी जी मैं आपसे एक क्वेश्चन कि जन मतलब जन धीरे धीरे पलायना स्थिति मतलब बढ़ते जाए उन्हीं उन्हीं हमारा रीति रिवाज भी पिछड़ी जाना चाहिए। जन मतलब हम क्या हुआ जन भगवान जान छाया तम पूरा बनान छाया पपड़ा बनान छाया और कौशिक में जान छाया और देवी देवता जन हम जन तरीके से हम पूजा करण छे दही से उन चीज से भूल दमो से लेकर अपन पितरु से पूजा करण छाया मतलब अमर वस्त्र भेद सूतन छे जो मतलब सपला पलन छाया और सूत्र पैजामा पलन छाया जन हम देरी जो छाया तो धोती पलन छाया और बल्ला जो भी हम देखना चाहिए। आप जमाने जो लड़का नया पीढ़ी थी वो बिल्कुल मतलब वे से चूर होती थी और आप क्या सोचे क्या मतलब किले हुआ किले हुआ मतलब इन और क्या मतलब हम अपने रीति रिवाज से बिछड़ आना चाहिए क्या लगन आप है। देखो जी दी बात छन, अब देखो पलायन हुनु च गरवा की लोग भैर जाना छन रोजगार की वजह से जाना छन अपना पेट पूजा की वजह से जाना छन, जब उनका अपना प्रदेश में उनका वास्ता रोजगार नीचे तो लोग बाहर जाला रोजगार करेला। तो अब ये आपकी सोच पर निर्भर कर दो कि या तो आप जग आप जाना छन चाहे पंजाब में जाना महाराष्ट्र जाना छन चाहे जग जाना छन, या तो आप उखे संस्कृति में घुल मिल जाओ और या फिर उख अपनी संस्कृति के साथ खड़ा रहो अपनी परंपराओं के साथ खड़ा रहो अपने जो रीति रिवाज छन के साथ खड़ा रहना। ये मामला मामी पंजाबी लोगों की बहुत तारीफ कर दू कि वो लोग कनाडा भी पहुंच गए लेकिन वो पहुंचे भी वो पंजाबी ही छन, और चाहे वो कह भी दे बोल चांद मा भी पहुंच जाला तो वो भी उन पंजाबी ही रह। लेकिन हमारा गड़बड़ी के कना छन कि जब वो घर बड़ी निकलता ना तो अपना रीति रिवाज अपना पहनावा अपना खान पान अपनी परंपरा अपनी संस्कृति थे गाड गदने मान बोली थे तब अकेले चल रहे प्रदेश में। भाई जब आप अपनी भाषा से प्यार निकल जा अपना रीति रिवाज अपनी परंपराओं से आपको कोई मोह निरालो तो कि एक दिन आप अपनी पहचान ही खत्म कर देला अपनी पहचान ही छोड़ देला, आप फिर दूसरे कह समाज के तेने आप अंगीकार कर सकता कहीं भी समाज में घुल मिल जाएगा तो बात खत्म हो जाली। लेकिन बहुत सारा लोग आज भी छन हम लोग विदेशों में भी जना कार्यक्रम देने को तक भी हम लोग कि बहुत से लोग आज भी अपना बच्चों तेन गड़बड़ी सिखाना छन जबकि वातावरण नीचे या कुमाऊनी भाषा सिखाना छन और जो छन वो अपना रीति रिवाज का साथ भी चलना छन बहुत सारे लोग छन। लेकिन अधिकांश लोग जो छन वो धीरे धीरे अपना कल्चर तय छोड़ना छन अपना माँ रीति रिवाज अपनी परंपराओं अपनी संस्कृति से दूर होना छन। तो यो तो व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर कर दो क्या आप
मर्द मर्द तक गड़बड़ी बनी रहन चाहना छन या आप जैसे समाज में जाना छन वेकू वेकू रह जाना छन, ये तो आप पे निर्भर कर। क्षेत्र में आए वर गड़बड़ गीत बिजनी गान छा लोग एक सब पंजाबी गीत गान छा या तो हिंदी का फिल्मों का गीत गान छा लोग, लेकिन हम शुरू करी हमसे पहले भी कुछ दो चार लोग और छा जो गाना छा जब शुरू हुए तो एक बार धीरे धीरे अब नया बच्चा भी जोड़ बैठ गए अब बहुत सारे लोग गीत गाना छन लिखना छन गाना छन। तो हम ये जिम्मेदारी क्या है का पर नहीं हो सकता कि जी तुम किले निकलना है, अरे तुम पहले शुरुआत अपने घर बैठी करो शुरुआत करो वहाँ से है ना। आप दिल्ली में रहना छो तो आप फूल दिए त्योहार हो दो फूल संक्रांत को फूल डलदम देख दो अपना मोहल्ला बटी शुरू कर दिया, चाहे आप दिल्ली में छन चाहे कहीं छन अपने मित्र हो जो आपका आस पास छन बीच एक घरों में उठी बटी शुरू कर दिया फूल दम कहते कुछ ना तुम कह के ज्यादा लेन चाहना जान अरे शुरू करो आपका पर्व छन आपका त्योहार छन शुरुआत करो है ना। ना ना ये जरूरी नहीं कि हर गाना के पीछे पैदल कोई घटना हो। अब आपके बुजुर्गों से देखना जन उनका उंदड़ी के जो व्यवहार हो जो आजकल नए बच्चों को अपना बाप दादा का साथ अपना परिवार में माँ पिताजी का साथ जो बुजुर्ग होगी नहीं उंदड़ी जो समाज को व्यवहार हो जो कुछ परिवार में कुछ लड़का लोग उनको बिल्कुल तिरस्कार कर देना तो वे देखी थे भी गीत मानना नहीं थी सब चीज में ही माँ है ना। अब मैंने वो भी लिखी कि कह माना बोले भाई जननियों को मरियो छो यहाँ को मतलब यू नहीं कि मैं जननियों को मरियो छो तो देखी थे न कह कपास घटना सुनी थे न और गीत लिखे मैंने सब कुछ में ही माँ घटो अगर मैं 300 गीत लिखे होला तो 300 का 300 घटना में माँ घटी हो जरूरी है तो मैं एक होंगे जो कह घटना घटगी तो वे पर लिखेगा मैं लेकिन ये हर गीत ये नहीं लिखे न। क्वेश्चन ये कि राजनीति में आजकल जो चलनु मतलब सब कुछ ठीक चलनु या विकास सिर्फ शहरों तक ही सीमित या फिर आप गांव में पहुंचनु जिन उत्तराखंड तो गांव 13 जिलों में 12 जिले जो भी जिले सो मट 8-9 जिले तो सर गढ़वाली तो कह दी समित जो उत्तराखंड की राजनीति चलनी सर वे पर आप मतलब क्या दृष्टि से कि आप जो दृष्टि से वो इन चीजें सरकार पर हिलाना मजबूर कर तो सर इतन जो आप दृष्टि है क्या सब कुछ बढ़िया चलनु विकास हो या फिर कुछ जरूरत या इन तरीके से आप क्या नजरिया है बोलो। मैं तो कोई राजनीतिक व्यक्ति तो चनी छो मैं कह ना कह पार्टी को मेंबर छो ना नेता छो ना प्रधान छो ना मैं ब्लॉक प्रमुख छो है ना नेता मैं नहीं छो और ना मैं कभी नेता हूं चाहू छो तो मेरे नेतागिरी से कोई दूर दूर तक कोई संबंध नहीं छे। अब विकास के प्रक्रिया तो इन प्रक्रिया चे वो सतत प्रक्रिया वो प्रक्रिया इन ची की वो सतत चल नहीं रहा। आज अरे एक सड़क बन गई तो यहाँ को मतलब यू नहीं ची की वो हमेशा को टाइम हो गया फिर बरसात होली फिर वो टूटली तो फिर बन ली है ना। तो ये प्रक्रिया सतत चल नहीं रहा विकास की। और अब जब लोग एक बड़ी पलायन करने बैठ गई हर जान बैठ गई तो उन सड़कों बनेगी थे भी क्या फायदा चे वो स्कूल बनेगी थे भी क्या फायदा चे बताओ। तो सबसे पहले तो पलायन रोकने की जिम्मेदारी होनी चाहिए सरकार के पास और सरकार प्रयास करनी बीच अब तक सफल हों दो ये तो समय बता लो। लेकिन इबरी एक बहुत अच्छा मौका यू आई कि ये कोरोना की वजह से बहुत सारा लड़का लोग जो बहर काम करता था वो वापस अपना घर गांव में आना चाहिए।
जब वो अपने घर गांव में आना छन तो निश्चित रूप से रोकने की रोकना को प्रयास अगर सरकार करो तो ये बहुत ही सुनहरो अवसर छ, ये बहुत ही अच्छो अवसर छ कि उठे कखी रोजगार दिए जाओ या उठे कोई काम करने का वास्ता लोन उपलब्ध करे जाओ बैंक वटीन और उठे रोकने की प्रयास करे जाओ। और हम बोना चला बड़ी बड़ी नौकरी जो कोई कोई स्कोप नीचे वो मां लोग जाना छंत पलायन तो वो पलायन वे थे बर्दाश्त करे सकता, लेकिन जो पांच पांच सात सात दस दस हजार नौकरी मां घर छोड़ी जाना जाना वे थे सरकार रोक सकती और रोकनी चाहिए सरकार। जी 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 बिल्कुल सही सही बात आप बना सर बिल्कुल। और नेगी जी जब बात होनी चाहिए कौथिक और हमारे माँ काली मंदिर में कौथिक होंदो तो आप आगे एक बहुत ही बढ़िया गाना चाहिए कह गांव की होली तो सर थोड़ा मतलब हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अगर आप वी लाइन वे का अगर गुनगुना सके बहुत बढ़िया हो जाएगा। बीच में तो याद याद नहीं रहना ना पूरा गीत बीच आ लाइन अगर में बस कोई बात दो लाइन अगर आप गुनगुना सके कोई भी पहले। जी भगुला झवरा क्षण मणांद रम झम कौथिक जांद धगुला झवरा क्षण मणांद रम झम कौथिक जांद कह गांव की होली सबांद कन भली देख्यान कह गांव की होली सबांद कन भली देख्यान कह गांव की होली सबांद धर धर बटीन आंद इगरेली बिगरेली बांध धर धर बटीन आंद इगरेली बिगरेली बांध चल कौथिक देखियोला इन ज्वानी सदन निरांद कै गांव की होली सा बांध कन भली देख्यान कै गांव की होली सा बांध कन भली देख्यान भगुला झमरा क्षण मणान रम झम कौथिक जान कै गांव की होली सा बांध कन भली देख्यान कै गांव की होली सा बांध। जी बहुत 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 बढ़िया सर आप बहुत ही बढ़िया आप आ गए जी। सर मेरे मैं दगड़ी जगमोहन पटवाल जी थी और वो भी आपसे थोड़ा सा आपका बहुत बड़ा फैन और आपसे रूबरू होना चाहना थी। बोला बोला पटवाल जी। जी जगमोहन जी निकी जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार पटवाल जी। सर ये आप सरल स्वभाव और महान सरल स्वभाव महानता शादी पर अरे आपको मुंड कटनो जो कैमरा सही करा पटवाल जी। हाँ थोड़ा एक तो करा वे तो आप बोला सर मैं ये बोलना चाहूँ सर आप सरल स्वभाव सादगी और महानता का परिचय से जो आज हमारे यो छोटे से कार्यक्रम आप समय दिया एक महाकाली काली का मंदिर और वो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए मैंने एक था नहीं ये असल में आजकल सभी ऑनलाइन चन्नो में परेशान हो गए भाई ये ऑनलाइन महानान बहुत ये बोला एक बार मैंने बोल जो यार मैं तो माफ कर भाई है ना सुबेर बैठी ये काम कर जो मेरा बड़ा काम होने नहीं लगे बैठे जाऊँ घंटों मोबाइल का सामने तो ये जी, जी, आज जी, ये बीमारी बहुत हो गया आजकल ऑनलाइन जी 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 हाँ जी पटवाल जी बोला और साथ में भी जी माँ भगवती कालिंग का से हम आप स्वस्थ स्वास्थ्य कामना करता हूँ माँ भगवती आप से वो आप परिवार तक की समृद्धि दे आप सब थे माँ भगवती को आशीष आप सब पर हो मैं भी कामना कर दो माँ काली से। जी नेगी जी मैं ज्यादा मेरा एक एक प्रश्न है बस मैं ज्यादा समय भी नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि सर मेरा एक क्वेश्चन है कि यूट्यूब पर मिला आपको एक कवि सम्मेलन एक प्रोग्राम दिया आप ये कविता लिखी सर नजीबाबाद है इफ्तिखार बैंड बैंड बाद में बड़े बजाऊ नजीबार इफ्तिखार हुसैन बैंड बाजम बड़े बजाऊ तो ये कविता लिखी जमीन ये को मतलब ये छो कि अब हमारा दास होना
हमारा भजन प्री जी, हमारा औजी भाई लोग छन, उन तो छोड़िया लियो काम। अब नजीब वाला बैंड वाला जो छन वो उन बड़े कन के बजानो तो बैंड मा तो बड़े बज दी नहीं जो एक दिन तो ढोल दम वही चढ़ना छन ना। लेकिन अब हम लोगों को लोग उन लोगों थे ना बुलाना के बजाय बैंड बुलाना छा है ना, जो हमते लोगों को सम्मान कन छे अपना लोगों को, अपना लोग छन हमारा वो जो औजी छन अपना लोग छन। लेकिन हम भैर का जो भी छन कोड़ कबाड़ वे थे नाम जब बहुत ज्यादा महत्व देना ऊथे अब दगड़ी खानो खलाना बैंड वालों दगड़ी बैंड वालों थे ना। लेकिन अपना भाई बंधु थे जो अपना गांव का छन अब जोन हमेशा काम आन हमारा ऊथे हम दूर दूर हटाना तो कोई कन है वे पे सतह कर सकते जय पे समाज सम्मान नहीं दे हमनो थे वे को दोषी हम लोग छा हमारा पुराना छन जोनो को तिरस्कारी है ना जोन ऊधन कलाकार ने समझी तो अवे का दोषी हम लोग छा। और एक दिन बोलो कि हमारा पूरा उत्तराखंड बटी ढोल दमो गायब ही हुए जालो बिल्कुल हैं। हम बैंड वाले थे ना हजारों 10,000 रुपए बैंड वाला देनो तैयार छा लेकिन 5,000 रुपए ढोल दमो बजान वालों थे 5,000 देन मा भी हम तो इन लग दुगे ना मालूम क्या वे गया है ना। तो ये दोष हम लोगों को पड़े छा ये हम लोगों की कमी छा। अब ये कमी को नतीजा हमते भुगते को एक बार आप थे एक समय इन ब्यालो जब गड़वा उनको भी ढोल दमो सुने लाए जी बिल्कुल एक अवस्था आप लोगों थे भी जन जागरण कर चंदो कि भाई वो भी हमारी तरह छन वो भी हमारे जाना लोग छन वो हमारा अपना लोग छन हमारा गांव का लोग छन उनको सम्मान उनसे सम्मान मिल जाए उनसे सम्मान नहीं देला तो वो फिर दुर्काल थोड़ी जन का कीना होना चल जाला। लेकिन हमारी कला तो खत्म हो जाए ना आप लोग चिल्लाना ना हमारी संस्कृति खत्म होगी खत्म होगी खत्म नहीं हो जब तुम संस्कृति पर सम्मान नहीं कर लिया जब तुम उनसे बिल्कुल दूरी बने के रख लिया जब तो बोली तो क्यों कानून नहीं काम करना बड़ा बच्चों गला मार ढोल डल नहीं नीच कभी ना कि लेकिन उसे मालूम से बेटा ये माँ तो कोई सम्मान ही नहीं ये माँ की इज्जत नीच ये माँ कोई पैसा नीच तो क्यों कोई किले कनते हैं वो काम। तो अगर आप थे अपनी संस्कृति अपनी परंपराओं चिंता से तो आप उन लोगों को सम्मान करा उनसे समझा कि भाई पुरानी गलती होगी नहीं वो होगी नहीं अब ऐसे तुम थे हम पूरा सम्मान जोला अरे बैंड वो थे इसका सम्मान है ना वो अब दल बैठे खानो खिलाना था हम। लेकिन यो मैं बिल्कुल नहीं होते हम बिल्कुल तिरस्कार करना था जिला जी तो ये कमी क्या है हमारी कमी है अरे ये नतीजा भी हमारे टाइम बहुत तो ये हाँ ये मतलब ये हम प्रोत्साहन दे सकता हो मैं तो नहीं देना चाहूँ भाई ये चीज तो है ये चीज तो भैरव तब भैरव लान अगर कोई ढूंढ के मिलने तो ये नौजवान लोग छन ये आप लोग की जिम्मेदारी बन दी कि लोगों थे समझाऊ कि भाई वो विचार वो छोड़ा पूर्ण होगी विचार वो है ना उनकी जरूरत नहीं अब जरूरत यो कि यूं थे ना हम अपना भाई बंद समझे थे ना अपना अरे हमारा पुराना माई ने बिछाओ के हमारे गाँव में जो हरिजन लोग रिश्ता हम तो रिश्ता से बोल रहे थे हमारा वे बाबू ने कभी नहीं बोली कि वे औज बोलो वे दाद ये फलाना बोटा था बोले गलो कि फलाना काका था बोले गलो है ना एक तो ऊन तो हम थे ये संस्कार बिल्कुल अगर हम उसे बदतमीजी से बात कर ला है ना तो वो छोड़ देगा ये काम थे किले का। अगर आग में थे ना यूं गीत गान मा गीत सुनान मा सम्मान नहीं मिलो लो बेइज्जती होली मेरी जगह जगह तो मैं क्यों कहिए था ना मित्रों ने खत्म कर दो मैं तो बोलो छोड़ा यार ये धंधा में कोई इज्जत नहीं थी। तो भाई जी पहले तो आप नवयुवक छन आप बदल सकदन समाज से आप अपना गांव बटी शुरू करा आप अपना समाज से बदल रहे ताकत नवयुवकों में आप बोला लोगों ने नहीं ये हमारा अपना लोग छन है ना। अब मेधड़ सारा कल मेधड़ ज्यादा कलाकार जो छन मेरी टीम में सब अनुसूचित जाति का छन तो घर में आनंद खानो खानन दगड़ी बैठे आनंद देना चाह दगड़ी लेकिन नवयुवकों की जिम्मेदारी पुराने लोगों की सोच पुराने लोगों की सोच चल गए कुछ अब भी सोच का लोग तो वो खे धीरे धीरे समझाने की कोशिश करा और जब हम अपने घर बैठी हुई चीज शुरू कर ला तो निश्चित रूप से हमारा समाज बदलो लो उन कलाकारों ने भी पूर्ण सम्मान जो सम्मान आप लोग हमते थे ना
उन कलाकारों से भी मिल गया। अरे हम तो की नकल करी ना, हम तो की नकल करी, हमारा तो उस्ताद भी छन, हमसे गीत गा, हमारे तो बाप दादा का भी गीत निकान सा, लेकिन वो थे सुन सुनी थे ना, वो थे उनकी समझ की ही हम ये गीत ये लाइन में हम ऐसा बड़ा आ रहा है इस तक आज इस तक पहुंचा। तो उन लोगों को सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी से। अगर आप चाहना है कि आपका ढोल दमो मसक बाजा जीवित रहो, शादी ब्योह माँ कुछ भला कामों माँ भजन होगा वो तो अच्छा लग दो है, तो वे का बात करते हैं समाज से मदन करो लो, और वो तभी टिकिया डाल लाइन माँ जब वो थे सम्मान मिलो लो और उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक रहे। जी नहीं जी, मैं ऐसे संबंधित दिन चाहिए कि एक मतलब हम लोग पहले बेटी एक दूसरे का पूरक था, हमारे भी काम थे हमारे संस्कृति से संबंधित, अगर हमारे एक ब्याह हूं तो हमारे लड़की ब्याह हूं तो हमारे में लोहार भी आंदो तो एक टोकरी बाणो भी आंदो और जी भी आंदी, मतलब बर्ग जैसा बंदी हम एक दूसरे का पूरक था। लेकिन अब स्थिति आप देखने लगे हैं कि हम तेन सम्मान नहीं देना चाहें जैसा वो हकदार छ, हम तेन उतना पैसा नहीं देना जो हम बैंड वो उसका पैसा हम तेन नहीं देना, तो जब ऊपर आर्थिक स्थिति ये काम कर से न्यू होली ये काम में हुई दरिद्रता वाली तो तू इनके लिए करना अपने बच्चों थे तो कुछ आना अपने बच्चों थे नहीं ना माहौल मारा ये नहीं बता कि चपड़ा से भेज आएगा कि बाबू भेज आएगा कि कुल्ली गिरी कर ले, लेकिन वो इन बोली ढोल नहीं बजा जी कई 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 और बोल रहे सिकरना वाला थोड़ा बच्चों है ना, अभी स्कूल जानो हाथों के बीच वो पढ़ने लिखनो हाथों का बच्चों के बीच, तो ये थे ये आप नौजवान लोग हैं सोचने चाहिए कदम और समाज से बदलने की कोशिश करनी चाहिए आप लोगों का और आप लोग कर सकते हैं। बहुत पहले ऑफिशियल ग्रुप ऑफ आप नाम जो ऑफिशियल ग्रुप फेसबुक पर चलन जाई मैंने एक लेख सही हां तो कुछ राजनीतिक दल जी एडमिन चलान था ना वे थे ना जी जी, तो हम कह के एक लेख डल जाते हम तो पहले बड़ी दलित शब्द हम भी प्रयोग करना नहीं चाहते, राजनीतिक दल कुछ वोट वोट बैंक का खातिर कुछ यू वर्गीकरण चुनाव जातीय समीकरण से तो यू हमारे एकता एकता और ये का संस्कृति कुछ खतरे जी हमारे युवा तो समझना पड़ा आप दो शब्द नहीं मेरी बात समझ में नहीं आई कि आप के बोल जाना जन देखा जी नेता जो छन ना वो अपना वोट का वास्ता बहुत मूड़ी तक गिर जाना है ना, वो हर प्रयास कर दन वो भी चलन बीच में जब उन्हें लग दो कि अब ये मंत्र से हम जी सकता तो ठाकुरों और ब्राह्मण माँ आपस माँ लड़े दिन है ना उनके ध्रुवीकरण कर दन, तो ये बुराई तो जो चल राजनीतिक लोग कर दन ये तो हमारे समाज में आते ठाकुर ब्राह्मण ये सब लोग मिलजुली रहन सा एक का बिना दूसरों काम नहीं चल सो ना, लेकिन नेतो नहीं जो लड़ाई अपना वोट की वजह से जब उठे लगी कि कुछ वर्ग जो छन वोट में थे पता नहीं मिल दे नहीं मिल दे, तो वो फिर ये किस्म को जातिवाद चले नन वैसे फिर हम लोगों का उनका भगलोण में आए जाना हम लोगों का बिछाया जाल में फंस जाना और आपस में अपना गांव समाज में एक दूसरे से बुराई मोल ले लेना है ना, तो ये राजनीति लोगों से आप लोग बचन के नाना जो मैं बोलो चाहूँ कि नवयुवक ही समाज से बदल सकू नवयुवकों के अपने सोच विचार वो बिल्कुल फ्रेश हनन ताजा हनन और सही ढंग से सोचना ही वहाँ क्षमता पुराना लोग पुराना ढंग से सोचता था अब वो चल गई नहीं या फिर कुछ रहा होला, लेकिन नवयुवक चाहला तो जरूर समाज में अच्छी बात भी आली नेताओं में बड़ी डांटे भी सके तो ये जातिवाद यहाँ नहीं चलेगा, तो ये तो नेता ये तो आप लोगों का हाल जी बिल्कुल जितना हमारा ना, तो अगर अपना समाज से साफ सुथरा करना चाहना ना अपना समाज से और बेहतर बनाना चाहना प्रगति के वो ले जाना चाहना नहीं इन्हीं भावनाओं को हमें तो तिरस्कार करना चाहिए भाई ये गाँव मत चला।
लास्ट में एक प्रश्न से कि अब नया कलाकार जो क्या संदेश आप राहुल की कह तरह से वो रचना बना के ताकि वो बिल्कुल कोई नया कलाकार मानने को तैयार नहीं, कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं, फिर भी मैं संदेश तो नहीं दे लो, लेकिन अनुरोध जरूर कर लो कि भाई वो अपनी भाषा थे ऐथर बढ़ाने प्रयास कर। अब हम ना चाहें आप अपनी भाषा से शुरू करें, ये भाषा तरक्की कन के करा ली, जब हम बोल ले नहीं भाषा थे ना, है ना, तो हम तरक्की कन के कर लाई भाषा, तो ये भाषा थे ऐथर बढ़ाना के वास्ते, ये अभी हमारी विरासत से हमारे बाप दादों की दी जमते ये विरासत, ये बात तो नहीं भूल सकते, केवल कूड़ी पुंगड़ी नहीं देनी बाप दादा तुम थे ये भाषा है ना, तो इनने सब कूड़ी दी थे तो तुम कूड़ी पुंगड़ी हते लिया और बाकी भाषा तेन बोला कि फुन धोदा ही थे भाई, वहां भी राज सच्चे जन कूड़ी पुंगड़ी दी जन तुम थे उन्हें भी थे भी समाधि रखा भी थे ऐसे बढ़ावा बोला दुनिया भर की। अरे जब सारी दुनिया की भाषा बोलना छन बच्चा हिंदी बोनान अंग्रेजी बोनान तो अपनी भाषा में क्या बुरे जी भाई, अपनी भाषा भी सीख लिया ना, जब इधर भाषा सीखना जा एक अपनी भाषा अपने बच्चों से सिखाने में क्या दिक्कत है, है ना। और अब भारत सरकार के अगर तुम शिक्षा नीति पढ़ी होली जो नई शिक्षा नीति बनी अभी हाल में वे मां जो चलो वो क्षेत्रीय भाषा लोक भाषा बटी शुरू करे जा लिया, अब सरकार तो अब सरकारी थोड़ी कर दी बात है, हम तो भी तो कंचन हम तो बोल लेना अपनी लोक भाषा, अपनी भाषा हम बोलना तैयार नहीं था, अब बोला कि सरकारी कन और सरकार हमारे खींचा बटी थोड़ी जान भाई, ये हमारी जिम्मेवारी चाहिए, आप लोग नव युग की जिम्मेदारी चाहिए कि अपनी भाषा अपनी परंपरा अपनी संस्कृति थे बिल्कुल इन रखो उनके नहीं, मराठी लोगों देखो लोग मराठी लोग कन उन्होंने अपना मराठी कल्चर का पर अपनी भाषा पर अपना वे पर अधिग्रहण पंजाबी लोग पंजाबी तुम कभी देखी हिंदी में बात कर वो अपनी पंजाबी में ही बात कर है ना, तो हाँ हम लोग हम अपनी भाषा में ऐसे बढ़ावा नहीं बोल रहे अपना गुरु बल कैन सिंह हमारे अपनी चीज जो है वो बेहतर छन वो बहुत अच्छी छन लेकिन हम उनकी कदर नहीं करते, पहले अपनी परंपरा अपनी संस्कृति कदर हम पहले कर ला तब दूसरो आदमी करो, ठीक है। तो सर आपका देखिए जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके साथ और हम उम्मीद करते हैं कि आप भविष्य में भी जुड़ेंगे, तो बहुत बहुत नेगी जी बहुत धन्यवाद आपका, फिर से अभिनंदन आपका बहुत बहुत धन्यवाद।